हाय, कैसे हैं आप सब? एक शिकायत करनी थी आप लोगों से। हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं पर जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर आपको तू जिद है का डेली एक चैप्टर चाहिए तो कम से कम 24 घंटे में 10K व्यूज चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच कहकशा फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 27। अक्स का सर गोल गोल घूम रहा था। उसे जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहले से ही सारी कोशिश कर चुकी थी। वो निढाल होकर वहीं बेंच पर गिर गई। तभी रूहान खुद से बोला, सही वक्त आ गया है। वो बोलते हुए एकदम सीरियस था। उसने एक नजर उन दोनों की तरफ देखा। किंजल अक्स को संभालने की कोशिश कर रही थी। रूहान धीमे कदमों से चलते हुए उनके पास पहुंचा। उसे देख अक्स उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप यहां किस लिए? रूहान ने सपाट लहजे में कहा, मैं आपके डैडा से ही मिलने आया था और मैंने आपकी और नर्स की बातें भी सुन ली। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसकी बात सुनकर अक्स के चेहरे पर उम्मीद जग गई। आंखों से आंसू बह निकले। वो एकदम से बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरे डैडा को बचा लेंगे? आप बताइए ना, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत बहुत जल्द आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बोलते हुए वो जैसे मिन्नत कर रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे, जिन्हें देख रूहान जल्दी से बोला, प्लीज मैम, हाथ मत जोड़िए, आप पहले शांत हो जाइए। किंजल उन दोनों को देखकर हैरान थी। उसने अक्स को देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा, क्या तू इन्हें जानती है अक्स? अब से पहले मैंने इनको कहीं नहीं देखा। बोलते हुए वो रूहान को घूर रही थी। अक्स ने जल्दी से कहा, हाँ बस इतना ही, इन्होंने डैडा को हॉस्पिटल लाने में मेरी बहुत मदद की। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बात सुनकर किंजल हैरान हो गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, अक्स जल्दी से बोली, प्लीज बताइए ना, आप मेरी मदद करेंगे ना? रूहान ने गहरी सांस ली और एक नकली स्माइल अपने होठों पर सजाते हुए कहा, मदद आपकी जरूर होगी पर मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरे बॉस वो बहुत पैसे वाले हैं, आप मेरे साथ चलिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसके बात सुनकर अक्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए जल्दी चलिए, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। बोलकर वो जैसे ही चलने लगी तो किंजल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुक एक मिनट अक्स। बोलते हुए वो रूहान को घूरते हुए बोली, तूने बताया कि तू इससे तब मिली जब अंकल को शिफ्ट किया, फिर तो इस अनजान इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती है? और 10 करोड़ अक्स कोई छोटी रकम नहीं होती कि कोई भी राह चलता तुझे पकड़ा जाएगा। बोलते हुए वो रूहान को बुरी तरह से घूर रही थी। रूहान ने एक नजर किंजल पर डाली, जो वाइन कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में भीगी हुई थी, भीगे खुले हुए बाल। किंजल भी अक्स की तरह बेहद खूबसूरत थी। रूहान ने एक नजर उस पर डाली, दूसरे ही पल नजरें फेर ली, क्योंकि वो उसे ही घूर रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये लड़की तो बड़ी चालू पुर्जा है, एक ही पल में मुझे भांप लिया। अक्स मैम को लेकर जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सारा प्लान चौपट कर देगी। अक्स ने किंजल से अपना हाथ छुड़ाया और लंबी सांस लेकर कहा, देख किंजल, पहली बात, बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरी बात, अगर ये मेरा फायदा उठाएंगे या मेरे साथ कुछ गलत करेंगे भी, तो भी मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि डैडा की जिंदगी का सवाल है और ये एक आखिरी उम्मीद है, तो मुझे ये कदम उठाना ही होगा। और तीसरा, मैंने इनकी आंखों में सच्चाई देखी है, ये मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, तो ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जिस तरह इन्होंने मेरी मदद की, उसके बाद मैं इन पर शक भी नहीं कर सकती। आखिरी लाइन बोलते हुए अक्स के होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। ये रूहान पर भरोसे की निशानी थी।
जिसे देख रूहान की नजरें झुक गई और वो मन ही मन खुद से बोला, मत कीजिए इतना भरोसा, अगले कुछ ही पल में ये भरोसा टूट जाएगा, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। सोचते हुए उसके दिल में गिल्ट था। वो जल्दी से बोला, चलिए मैम। किंजल ने फिर से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, पर अक्स, ये सही नहीं है, प्लीज मत जा। अक्स ने उसकी बात अनसुनी करके तेजी से रूहान के साथ कदम बढ़ा दिए। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी, अंधेरा हो चुका था। हॉस्पिटल से बाहर आकर रूहान ने अक्स को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग करने लगा। अक्स ने झिझकते हुए पूछा, आपका नाम? रूहान मेहता। थोड़ी ही देर में रूहान ने AR मेंशन के सामने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतर कर कहा, आइए मैम। अक्स गाड़ी से उतर गई तो रूहान बोला, आप अंदर चली जाइए, बॉस अंदर ही हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। उसकी बात सुनकर अक्स हैरान होकर बोली, मैं अकेले अंदर कैसे, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। रूहान ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैंने बॉस को आपके बारे में सब बता दिया है, तो आपका ही वेट कर रहे हैं, आप जाइए, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। रूहान की बातों से अक्स का दिल घबरा उठा। उसे एक अजीब से डर ने घेर लिया था, पर मजबूरी ऐसी थी कि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। रूहान गाड़ी में वापस बैठा और तेजी से गाड़ी ले गया। अब अक्स AR मेंशन के सामने खड़ी हुई तेज बारिश में भीग रही थी। अक्स ने कपकपाते हुए AR मेंशन की तरफ देखा, जो बारिश और रात में किसी महल की तरह खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही उसकी नजरें बड़े बड़े शब्दों पर लिखे AR मेंशन पर पड़ने वाली थी, तभी वॉचमैन ने गेट खोला और कहा, मैम आप अंदर आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्स जल्दी से अंदर एंटर हुई तो वॉचमैन ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वॉचमैन फिर से बोला, चलिए मैम, मैं आपको सर तक पहुंचा देता हूँ, मेंशन बहुत बड़ा है ना, आपको मिलेगा नहीं। अक्स ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो वॉचमैन अक्स के साथ चलने लगा। अक्स के मन में अजीब से सवाल उठ रहे थे। खुद से बोली, ये घर जिसका भी है बहुत अमीर लोग हैं, 10 करोड़ तो इस घर के एक एक कोने में ही लगे हैं। इनके लिए इतना अमाउंट देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर सवाल ये है कि ये एक अनजान लड़की की मदद क्यों करना चाहते हैं? अक्स ने जहन को झटका और कहा, कुछ मत सोच अक्स, सिर्फ और सिर्फ डैडा के बारे में सोच, अभी उनकी सर्जरी होनी बहुत जरूरी है। अक्स तेज तेज कदमों से चलने लगी। बारिश में स्विमिंग पूल, फाउंटेन से बहता पानी, खूबसूरत सा गार्डन जो खुशबू से महक रहा था, पार्किंग एरिया में अनगिनत लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। थोड़ी ही देर में वो हॉल के बिल्कुल सामने खड़े थे, तभी वॉचमैन बोला, सर अंदर ही है, आप जैसे ही एंटर करेंगी वो सामने ही मिलेंगे, अभी मैं जाता हूँ। ठीक है। जैसे ही अक्स ने हॉल में कदम रखा तो हैरान रह गई, क्योंकि जिस तरह से वो पूरा मेंशन जगमगा रहा था तो वही हॉल में अंधेरा था। और जैसे ही अक्स ने हॉल में कदम रखा तो एक फ्लैशलाइट अक्स के ऊपर पड़ी, जिससे अक्स की आंखें लाइट लगने से बंद हो गई। अक्षर हॉल के बीचों बीच एक शानदार सी चेयर पर बैठा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था, बस एक रोशनी जो अक्स पर पड़ रही थी। जैसे ही अक्षर ने उसे उस लाइट में देखा तो देखता ही रह गया। क्या कीमत मांगेगा अक्षर अक्स से 10 करोड़ के बदले? क्या अक्स दे पाएगी वो कीमत? क्या इस कीमत की कीमत युवान को भी चुकानी होगी? आने वाले हैं कई बड़े ट्विस्ट, तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तू जिद है कहकर।